हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। गाइस, आज के वीडियो होने वाले कंप्लीट फोटो रिटचिंग के ऊपर। यही सीरीज का थर्ड या फिर फोर्थ एपिसोड होगा। एंड इफ यू आर ए रेगुलर व्यूअर तो आप लोगों को पता होगा इस सीरीज में हम क्या करते हैं। एंड इन केस आप चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो यार सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड इस सीरीज में बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी किसी भी बेसिक सी फोटो को उठाते हैं एंड उसको कंप्लीटली रिटच करते हैं, स्टेप टू स्टेप जो भी उसमें सारी चीजें रहती है। मतलब फोटो को कैमरा से निकालने के बाद और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से पहले बीच में जो भी सारे स्टेप्स रहते हैं, उन सभी स्टेप्स को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। और इस सारी एडिटिंग के लिए आपको कोई पीसी या लैपटॉप की जरूरत नहीं है, जस्ट अपने फोन से हम सारी एडिटिंग करने वाले हैं। जो भी फोन आपके पास होगा उसका यूज करके अपनी बहुत ही बेहतरीन फोटो हम एडिट करने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू कि ये वीडियो लेंथी हो सकती है, बट अगर आप कुछ उन लोगों में से हैं जो कि एक भी डिटेल मिस नहीं करना चाहते एंड पूरा स्टेप टू स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके सो गाइस, सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये फोटो जिसको हम एडिट करने वाले हैं। ये फोटो हमारे कैमरे से बिल्कुल ऐसी आई थी, बिल्कुल टिपिकल जैसे सबकी फोटो आती है वैसी हमारी फोटो भी आई थी। हमने इस फोटो को 50mm लेंस से क्लिक किया था एंड काफी अच्छा खासा बैकग्राउंड कलर इसमें था, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल सी जेनरिक जो फोटो होती है वैसी लग रही है। इसमें मतलब एडिटिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसमें हमने काफी गलतियां भी की है एंड हमें एक कलर टोन भी इसमें डाली है एंड फोटो को ओवरऑल रिटच करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप से। सबसे पहले मैं अपनी फोटो को जो है कलर करेक्ट करूंगा, क्योंकि फोटो खींचते टाइम बहुत सारी गलतियां हो जाती है जैसे कि व्हाइट बैलेंस, लाइटिंग्स या फिर शार्पनेस वगैरह, ये सारी चीजों को हम करेक्ट करेंगे। एंड उसके लिए मैं यूज करूंगा सबसे पहले लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले स्टेप, मैं अपनी फोटो को लाइट रूम मोबाइल के अंदर ओपन कर लेता हूं एंड यहां पे हम करते हैं इसकी बेसिक कलर करेक्शन। यहां पे आप देख रहे होंगे फोटो देखिए बहुत ज्यादा लाइट सी लग रही है, मतलब फीकी फीकी सी लग रही है। तो इसमें हम सबसे पहले फोटो की डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि फोटो में डायनेमिक रेंज को बढ़ाएंगे, जो व्हाइट्स हैं ब्लैक्स उन सब चीजों को छेड़ेंगे। ओके सो गाइस, हियर वी आर इन लाइट रूम एंड यहाँ पे सबसे पहले लाइट्स में चलते हैं एंड देखिए हाइलाइट्स को हम कम करेंगे क्योंकि हमारी फोटो थोड़ी सी फेडेड लग रही है। इसके बाद हम शेडोज़ को थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि हमारे जो डार्क पार्ट्स है वो थोड़े से ब्राइट हो जाए एंड जो हमारी फोटो में फेड आया उसको हम कम करेंगे ब्लैक्स को कम करके। सो देखिए फोटो में वापस हमारा कॉन्ट्रास्ट भी आ चुका है एंड कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसलिए कॉन्ट्रास्ट को भी हम कम कर लेंगे। सो देखिए फोटो हमारी यहाँ पे बेसिक कलर करेक्ट हो चुकी है, कलर भी नहीं कह सकते अभी, जस्ट हमने लाइट को करेक्ट किया है। अभी हम कलर्स को करेक्ट करेंगे, आगे जाएंगे कलर वाले टाइप के अंदर एंड यहाँ पे देखेंगे व्हाइट बैलेंस। सबसे पहले मैं इसका व्हाइट बैलेंस थोड़ा सा कम करूँगा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही वो येलो सा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा कम करूँगा ब्लू टोन में। एंड इसका टिंट भी आप देख सकते हैं, तो टिंट मैं थोड़ा सा और कम करूँगा। डन। इसके बाद हम जाएंगे इसमें वाइब्रेंस बढ़ाएंगे थोड़ी सी एंड यहाँ पे देखिए हमारे कलर्स भी करेक्ट हो चुके हैं। सो यहाँ पे हमारी फोटो जस्ट अभी कलर करेक्ट हुई है। अपनी फोटो हमें कलर ग्रेड भी करना है, जो भी हमें कलर टोन इसमें डालनी है उसके लिए इसको प्रिपेयर करना है, तो वो भी हम करेंगे अभी लाइट रूम के अंदर ही। तो उसके लिए हम चलेंगे यहाँ से इस कलर वाले पैनल के अंदर एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर्स हैं, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे हर कलर का आप यूज, सैचुरेशन एंड लुमिनेंस भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्किन का जो कलर रहता है ये ऑरेंज कलर, इसका हम लुमिनेंस बढ़ाएंगे ताकि हमारी स्किन थोड़ी सी ब्राइट हो जाए एंड देखिए मस्त हमारी स्किन चमक रही है। सो इसको आपको अपने हिसाब से बढ़ा लेना है। इसके बाद मैं अपनी फोटो में जिस टाइप की टोन चाह रहा हूँ वो मैं थोड़ी सी मतलब डार्क टोन चाह रहा हूँ, मतलब ब्लैक सी थीम हो फोटो की। उसके लिए मैं सभी कलर को डीसेचुरेट कर दूंगा एंड जस्ट हमारे जो स्किन कलर है उसको हम रखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, सारे कलर जो भी हैं ये इनकम सेचुरेशन डाउन कर लेते हैं, जितने भी कलर आपको दिख रहे हैं ब्लू को लेके और जो भी है इसमें कलर्स स्किन के अलावा, मतलब ऑरेंज और रेड के अलावा जो भी कलर्स हैं उनको हम बिल्कुल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए होता क्या ना, कई बार आपकी स्किन में येलो कलर भी होता है हल्का फुल्का, तो देखिए येलो को हमने कम किया था, थोड़ी सी ख़राब लग रही है स्किन, इसको हम बढ़ा देंगे तो स्किन थोड़ी सी वापस आ रही है। तो इसको हमें थोड़ा सा कम करना है, ज़्यादा कम नहीं करना है। एंड देखिए यहाँ पे फोटो में वो ब्लैक टोन आ चुकी है, लेकिन अभी भी देखिए ये स्किन का जो कलर हमारा ऑरेंज था ये हमारी पीछे वॉल पर भी आ चुका है, तो इसको भी हमें डीसेचुरेट करना है एंड उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेलेक्टिव टूल का। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ एंड जस्ट हम यहाँ से ब्रश ले लेते हैं। ओके एंड इसका हम क्या करते हैं, सेचुरेशन बिल्कुल कम कर लेते हैं यहाँ से जाके। ओके ये हो चुका है, अब जस्ट हम ऐसे पेंट करते जाएंगे जूम करके, तो ये हमारी स्किन में से सॉरी फोटो में से कलर्स को गायब कर देगा। तो जहाँ पे आपको डीसेचुरेट करनी है फोटो वहाँ पे जस्ट आपको ऐसे पेंट करना है। जो भी पार्ट आपका एक्स्ट्रा हो गया कहीं पे पेंट तो उसको आप वापस रिकवर कर सकते हैं इरेजर के टूल से। सो डन, आई थिंक यार मैंने हर जगह से इसको पेंट कर लिया है जहाँ पे भी कलर्स थे एंड अब हमारी फोटो बिल्कुल डीसेचुरेट हो चुकी है, इसमें डार्क टोन आ चुकी है। डन। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, अपनी फोटो में थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं इसमें एंड क्लैरिटी को बढ़ाते हैं एंड विनियट को करते हैं थोड़ा सा कम, तो एजेस हमारी थोड़ी डार्क हो जाएंगी जो कि बहुत सही लग रहा है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से कलर्स के अंदर एंड जो हमारी स्किन का कलर है इसको मैं थोड़ा सा येलो टोन में रखना चाहूँगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका यू चेंज करेंगे एंड थोड़ा सा येलो टोन, इसका सेचुरेशन भी हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं एंड देखिए बहुत मस्त हमारी यहाँ पे स्किन लग रही है। अभी देखिए इसमें हम एक चीज़ और क्या कर सकते हैं कि अपनी फोटो में जो भी बाकी कलर्स हैं उनको हम लुमिनेंस भी कम कर सकते हैं ताकि बैकग्राउंड जो हमारे कलर्स हैं वो थोड़े से मतलब डार्क हो जाएं। तो यहाँ पे जाएंगे येलो में एंड इसका हम लुमिनेंस कम करेंगे। सो देखिए थोड़ा सा डार्क हो रहा है, ग्रीन का भी लुमिनेंस कम करेंगे
एंड सभी कलर कम थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं। सो बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क लग रहा है एंड इस वजह से हमारा फेस थोड़ा सा चमक रहा है, जो कि बिल्कुल सही लग रहा है। डन। इसके बाद मैं अपनी फोटो को थोड़ा सा क्रॉप भी कर लेता हूँ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड 4:5 का एक साइज़ होता है, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए 4:5, तो ये हमारा इंस्टाग्राम पे पोस्ट होता है। तो अपनी फ़ोटो को हम स्ट्रेट भी कर लेंगे। तो मेक श्योर जो फोटो में लाइंस आपको दिख रही है, जैसे ये देखिए गेट की जो लाइंस है ये वाली, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे एंड तभी आपकी फ़ोटो मस्त लगेगी, वरना आपकी फ़ोटो में कुछ ना कुछ गलतियाँ लगेंगी। तो आपको फ्रेम को स्ट्रेट कर लेना है एंड आई गेस इतना सही है। डन। तो हमने फ़ोटो क्रॉप भी कर लिया है। सो आई गेस यहाँ पे बेसिक हमारी फोटो में जो भी हमने कलर ग्रेडिंग करनी थी वो हमने कर ली है। यहाँ पे हमारा लाइटरूम के अंदर का सारा काम अभी खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमने फोटो कलर करेक्ट कलर ग्रेड कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि अपनी फोटो में स्किन को स्मूथ करना है एंड मतलब फेस को ओवरऑल रिटच करना है। तो स्किन स्मूथनिंग या फिर रिटचिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा एडोबी फोटोशॉप फिक्स एप्लीकेशन का। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको कोई भी साइनअप नहीं करना है। आपको ये ऐप वैसे पहले यूज़ करनी आती है, मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ। सो चलिए फोटो को लेकर चलते हैं एडोबी फोटोशॉप फिक्स के अंदर एंड यहाँ पे अपनी स्किन को स्मूथ करते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे देखिए अपनी फोटो को हम जस्ट इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे एंड इंपोर्ट करेंगे गैलरी से। ये हमारी फोटो आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे स्किन को सबसे पहले स्मूथ करेंगे एंड वो कैसे, आपको स्मूथ करने से पहले आपकी स्किन में जो भी ब्लेमिशेस वगैरह है उनको आपको सही करना है। तो उसके लिए हम हीलिंग टूल का यूज़ करेंगे। तो जैसे मेरे देखिए स्किन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रफ लग रही है, तो यहाँ पे हम जाएंगे हीलिंग के अंदर। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। तो इसका साइज़ हम रखेंगे अराउंड 10 या 12 के आसपास। एंड अब आपको करना क्या है, जहाँ पे आपका स्पॉट है वहाँ पे जस्ट आपको ऐसे पेंट करना है एंड ये रिमूव हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड इसमें दिक्कत क्या होता है ना कि आप जहाँ भी टैप कर रहे हो उसके नीचे ये चीज़ होती है, मतलब एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं होता जहाँ पे आप टच करते हो, तो आपको थोड़ा सा ऊपर टच करना है जहाँ पे आपका पिंपल वगैरह है। ये आपको चला के पता लगेगा, बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है इस ऐप का। बट इसका ऐसे ही कुछ UI है, तो जो भी मेजर पिंपल्स हैं उनको मैं ऐसे गायब कर लेते हैं। आई डोंट नो मेरे फ़ोन में ऐसा चलता है या फिर सबके फ़ोन में ऐसा चलता है, मतलब मैं जहाँ पे टच कर रहा हूँ उसके थोड़ा सा नीचे टच होता है इस ऐप के अंदर, इसका ब्रश उस पॉइंट से थोड़ा नीचे चलता है। बट जिस हिसाब से ऐप काम करती है तो कोई बड़ी इशू नहीं है ये। सो ठीक है, यहाँ पे हमने स्किन में जो बड़े बड़े पिंपल्स हैं उनको हमने गायब कर लिया। यहाँ पे देखिए अब इसको करते हैं डन एंड आगे चलते हैं, अपनी स्किन को स्मूथ करते हैं एंड वो कैसे। आपको जाना है स्मूथ के अंदर एंड सबसे पहले देखिए आपको साइज़ सेट करना है। तो साइज़ मैं इसका रखूँगा, यहाँ पे जाएंगे एंड साइज़ इसका अराउंड 40 के आसपास रख लेते हैं। हार्डनेस बिल्कुल कम आपको रख लेनी है ताकि स्मूथ आपका जो ट्रांजिशन है वो हो जाए। अब फोटो को जूम कर लेते हैं एंड जस्ट आपको ऐसे पेंट करना है अपने स्किन वाले पार्ट पे एंड ये स्मूथ हो जाएगा। देखिए कितनी कमाल की चीज़ है। सो ये देखिए यहाँ पे बिफोर आफ्टर अगर आपको दिखाऊं मैं, तो स्किन को बहुत अच्छे से इसने स्मूथ कर लिया है एंड बहुत सही लग रही है स्किन, मतलब बहुत ही मस्त दिख रही है। हाथों के ऊपर भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी स्किन का पार्ट कहीं भी विजिबल हो वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं। ओके एंड डन। अब देखिए यहाँ पे स्किन तो हमारी बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुकी है एंड आपकी स्किन भी ऐसे ही परफेक्ट स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आपको अपने हेयर्स को भी एडिट करना है, क्योंकि नेचुरली हमारे हेयर्स इतने अच्छे नहीं आ पाते हैं फोटो के टाइम पे, बट उसको एडिटिंग में हम सही कर सकते हैं एंड वो कैसे अभी जानते हैं। अब भाई आती है बात हमारे हेयर्स को एडिट करने की एंड वो भी बहुत ही सिंपल है। आपको जाना है लिक्विफाई के अंदर एंड यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है WARP वार्प, इस पर हम क्लिक करेंगे। फोटो को जूम कर लेते हैं एंड जस्ट आपको ऐसे अपने हेयर्स को ड्राई करना है ऊपर की साइड, जिस भी डायरेक्शन में आपको अपने हेयर पेंट करने हो। सो जस्ट मैं थोड़ा सा बड़े अपने हेयर को कर लेता हूँ, मतलब मैं कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट अपने हेयर्स की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा रहा हूँ ताकि मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे, फेस की शेप हमारी मस्त बन जाए। मैं अपने ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ एंड सी हमारे हेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको दिखाऊं मैं बिफोर आफ्टर, सो ये देखिए बहुत ही मस्त चेंज है एंड ये देखने में बहुत मज़ा आता है। अब आता है मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, जो कि फेस को रीशेप करना है, मतलब जिसमें हम जॉ लाइंस, आईज, नोज, इन सब चीज़ों को छेड़ेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे इस वाले टूल के अंदर एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। अब उसके लिए आपको चलना है यहाँ से लिक्विफाई के अंदर एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिखा रहा है आपकी नोज़ के, आपके लिप्स के। तो सबसे पहले मैं लिप्स पर टैप करता हूँ एंड देखिए मैं अपने लिप्स को क्या क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अपने लिप्स की मैं विड्थ को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मतलब चौड़ाई, तो मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा। एंड यहाँ पे अपनी नोज़ पे टैप करते हैं, नोज़ की भी हम विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड सिमिलरली ये हमारे चीक्स, आप चाहो अपने चिन को थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं एंड जॉ लाइन थोड़ी सी शार्प कर सकते हैं। काफ़ी क्रिएटिव सी चीज़ें, मेरे को बहुत सही लगता है ऐसे, मतलब मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, अच्छी बने या ना बने मैं एक बार ट्राई ज़रूर करता हूँ इसको। सो देखिए हल्का फुल्का चेंज हुआ लेकिन बहुत सही लग रहा है। सो ये बहुत सही लग रहा है, इसको करते हैं डन।
तो भाई यहाँ पे अपने फेस को हमने सब एडिट वेडिट कर लिया है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप है जो कि है डॉज एंड बन, जिसकी वजह से कि फोटो हमारी बहुत ही क्लासिक दिखने वाली है एंड हमारी फोटो में लाइट की हम शेपिंग करने वाले हैं। सो वो भी हम करेंगे इसी ऐप के अंदर एंड देखिए कैसे करना है। अभी यहाँ पे हम करने वाले हैं डॉज एंड बन एंड वो हम कैसे करेंगे इसी ऐप के अंदर, बहुत ही सिंपल है। आपको चलना है यहाँ से लाइट के अंदर एंड यहाँ पे देखिए लाइटन एंड डार्कन आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले हम डार्कन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम क्या करेंगे इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसकी हार्डनेस बिल्कुल कम एंड जस्ट हम इसे पेंट करते हैं कुछ कुछ एरियाज़ पर ताकि वहाँ से डार्क हो जाए, मतलब बर्न हो जाए, जैसे यहाँ पे शूज़ के नीचे कुछ एरिया है। सो मैं जस्ट रफली ऐसे पेंट कर लेता हूँ इसका, हम थोड़ा सा और यहाँ से भी कर लेते हैं। बैकग्राउंड पे मैं बेसिकली बर्न कर रहा हूँ ताकि हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा ब्राइट लगे बैकग्राउंड से। आप देखिए अपने कपड़ों पे भी कर सकते हैं थोड़ा सा, अभी जस्ट हम बर्न कर रहे हैं, डॉज करेंगे तो और ज़्यादा मस्त इसमें एक शेप बन जाएगी लाइट की। एंड सी यहाँ पे जस्ट आपको दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर, फोटो पहले ऐसी थी एंड अब ऐसी हो चुकी है, बहुत मस्त डार्क डार्क लग रही है। अभी इसमें हम लाइट भी करेंगे एंड फोटो में एक लाइट पेंटिंग हम करेंगे, तो लाइट पर हम क्लिक करते हैं लाइटन पर एंड यहाँ से इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हार्डनेस बिल्कुल कम एंड ओपेसिटी अराउंड 10%। एंड फिर जस्ट हम क्या करेंगे कुछ कुछ पार्ट्स पे ऐसे लाइट पेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे जीन्स के बीच में। ओके सो यहाँ पे देखिए बहुत मस्त एक लाइट की लाइन जैसे लग रही है एंड ये देखने में बहुत कूल लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं से लाइट थ्रो हो रही है। तो इससे फोटो में ना एक मस्त थ्री डायमेंशनल लुक बनती है, मतलब फ्लैट फोटो भी आपकी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है देखने में, जहाँ पे आपकी फोटो में एजेस हो या जहाँ पे आपको लगता है कि लाइट कहीं से थ्रो होनी चाहिए थी वहाँ पे आप ये चीज़ पेंट कर सकते हैं, आपकी फोटो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी। मैं अपने शूज़ पे भी थोड़ा सा पेंट कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ अभी का बिफोर आफ्टर, देखिए कितने सही हमारे यहाँ पे कपड़े लग रहे हैं, बहुत ही मस्त एक कपड़ों में शाइन सी आ गई है। अब इसके बाद मैं अपने फेस पे थोड़ा सा डॉज एंड बर्न करूँगा एंड वो हम कैसे करेंगे इसकी मैं ओपेसिटी कम कर लेता हूँ फेस के लिए, इसको रखता हूँ अराउंड 5%, साइज भी थोड़ा सा छोटा एंड जस्ट ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। ओह ये थोड़ा नीचे हो चुका है, थोड़ा सा ऊपर एंड अपने नोज़ पे भी हल्की सी लाइन एंड थोड़ा सा इस साइड भी और थोड़ा सा यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा फेस को क्योंकि हमारा फेस ऑलरेडी काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे लाइट वगैरह। तो देखिए पूरी फोटो में डॉज एंड बर्न बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है एंड यहाँ पे हमारी फोटो पूरे फाइनल तरीके से रीटच हो चुकी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो इसको कहते हैं यहाँ से डन एंड अपनी फोटो को लेके चलते हैं अब लाइट रूम मोबाइल के अंदर फाइनल कलर ग्रेडिंग के लिए। तो सेव करता हूँ इसको फोटो को मैं गैलरी में। अब यहाँ पे देखिए हमारी फोटो रीटच हो चुकी है लेकिन फाइनल ओवरऑल कलर ग्रेडिंग हमें एक बार दोबारा इसमें करनी पड़ेगी ताकि फोटो हमारी बिल्कुल फाइनली मस्त लगे एंड फोटो में वो शार्प वाली लुक भी आ जाए। तो इसके लिए हम फोटो को दोबारा लेके चलेंगे लाइट रूम मोबाइल के अंदर एंड वहाँ पे करेंगे फाइनल एक बार कलर ग्रेडिंग। सो यहाँ पे हम इम्पोर्ट करते हैं अपनी फोटो को एंड ये हमारी फोटो है, इसको करेंगे इम्पोर्ट। तो ये हमारी फोटो यहाँ पर फाइनल आ चुकी है, इसमें जस्ट हमें अब फाइनल कलर ग्रेडिंग करनी है, एक कलर टोन डालनी है। जैसे कि आपने मेरी फाइनल फोटो में देखा होगा एक ब्लू सी टोन थी जो कि बहुत सही लग रही थी, तो अभी बताऊंगा आपको कैसे वो डालना है, बहुत ही सिंपल है। आपको चलना है यहाँ से कलर्स के अंदर एंड यहाँ से ये कलर मिक्सर के अंदर जो भी हमारा ये हाईलाइट एंड शेडो वाला पैनल होता है, सबसे पहले हम जाएंगे शेडो में एंड शेडो का हम सैचुरेशन बढ़ा लेंगे एंड फिर हम करेंगे इसका यू चेंज। तो इसको हम रखेंगे बिल्कुल ब्लू के पास जो भी हमें इसमें कलर टोन चाहिए, इसका मैं थोड़ा सा कम रखता हूँ सैचुरेशन एंड देखिए ये टोन हमारी फोटो में बहुत सही लग रही है एंड ये रही ब्लू टोन। अब चलेंगे हाइलाइट्स में एंड हाईलाइट के लिए हम चूज़ करेंगे एक येलो कलर, क्योंकि येलो एंड ब्लू मतलब बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट कलर है एंड इनका कॉम्बिनेशन बहुत सही लगता है, तो इसलिए मैं हाइलाइट्स को येलो एंड शेडोज को ब्लू रखूँगा एंड डन। तो यहाँ पे हमारी फोटो में ओवरऑल कलर लुक ये आ चुकी है जो कि बहुत सही लग रही है। अब इसके बाद अपनी फोटो में आप और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे आप यहाँ से क्या कर सकते हो इसकी क्लैरिटी को और बढ़ा सकते हो ताकि आपकी फ़ोटो थोड़ी सी और मतलब बैंगर टाइप लगे और थोड़ी क्लासिक फील आपकी फ़ोटो में आए। ओह सॉरी ये क्या हो चुका है। तो इसके बाद और हम क्या करेंगे अपनी फोटो में शार्पनेस ऐड करेंगे ताकि इंस्टाग्राम पे हमारी फोटो बिल्कुल शार्प दिखे। तो यहाँ पे हम चलेंगे एंड इसके शार्पनेस को बढ़ा देते हैं पूरा एंड जूम करके देते हैं अगर फोटो ख़राब तो नहीं हो रही है। वैसे फोटो ख़राब नहीं हो रही लेकिन अगर आपकी फोटो में कहीं पर ज़्यादा ग्रेन्स आ रहे हो तो आप यहाँ से मास्किंग का यूज़ कर सकते हैं। मास्किंग के स्लाइडर को हम दोनों फिंगर से पकड़ेंगे एंड देखिए यहाँ पे एक ऐसे ब्लैक एंड वाइट आपके सामने आउटलाइन आ जाती है। तो आपको जस्ट अपनी आउटलाइंस रखनी है, मतलब जस्ट जो पार्ट आपकी फोटो में एजेस हैं वो आपको शार्प चाहिए, बीच में आपको नॉइस नहीं चाहिए। तो मैं जस्ट अपनी एजेस को रखूँगा एंड देखिए हमारी एजेस बिल्कुल शार्प हो चुकी है जो कि बहुत ही कमाल लग रही है एंड ये देखिए पूरी फोटो हमारी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। एक चीज़ अगर आपको लग रही है कि इस फोटो में हमारी स्किन थोड़ी सी ज़्यादा रेड लग रही है तो इसका हम ह्यू चेंज कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। यहाँ पर हम चलेंगे एंड इसका हम ह्यू रखेंगे थोड़ा सा येलो साइड। तो अब कम्प्लीट येलो एंड ब्लू हमारी फोटो में टोन आ चुकी है।
एंड पूरी फोटो बहुत ही क्लासिक लग रही है। सो भाई ये है हमारी फोटो जो कि अब ऐसी बन चुकी है एंड पूरा प्रोसेस आप लोगों ने देख लिया है। जस्ट अपने फोन का यूज करके अपनी फोटो हमने कितने अच्छे तरीके से एडिट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड आपको काफी कुछ इसमें नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब कर देना, ऐसी कमाल की वीडियोज में डालते रहता हूँ एंड एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।